एमएलसी चुनाव को लेकर राजद के भावी प्रत्याशी अजय सिंह ने गिद्धौर प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें की गिद्धौर प्रखंड के रतनपुर पंचायत के वानाडे स्थित गर्भु स्थान में किया गया। इस कार्यक्रम में 92 जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और भारत सरकार के पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने सभी को शॉल देकर सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि जमुई मुंगेर शेखपुरा लखीसराय क्षेत्र एमएलसी का है। यहाँ विगत वर्षों से राजद का कब्जा रहा है और रहेगा भी, क्योंकि जिस समय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री लालू यादव थे उसी समय गिद्धौर को प्रखंड का दर्जा और जमुई को जिला का दर्जा मिला और हम कैबिनेट में मंत्री थे, तभी यह सब संभव हो पाया, अन्यथा नहीं हो पाता। यहाँ की धरती सम्मान करती है, साथ में जिला अध्यक्ष सरयू जी, त्रिवेणी बाबू, कार्तिक जी, जो लोग मिलकर हम लोगों ने 3 दिन से लगातार मेहनत करके आपका वोटर आपके सामने खड़ा किया। एक एक पंचायत का 109 मतदाता है आपका, मैं साफ सुथरा बात बताना चाहता हूँ आपको, 8 पंचायत है, 109 मतदाता है, सारे के सारे लोग गरीबों के बाद गरीबों के साथ आपने लालू प्रसाद यादव है। आपने लालू प्रसाद यादव की एक विचार है, एक लालू बात है, सिद्धांत है, आज परेशानी में है, जेल में है, लेकिन कहावत है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन सच कभी पराजित नहीं हो सकता है, न्याय ये। आज जो है राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके कारण हम लोगों ने इलाके इलाके में क्षेत्र क्षेत्र में जो भी जो है शक्ति मिली आदरणीय लालू जी से, हम लोगों ने विश्वास नहीं तोड़ा आप भाइयों के साथ। जितना सलाहियत के साथ काम हो सकता है और कुछ काम तो ऐसा जो करके जो है जमीन पर उतारने का काम हो, क्या यह सच नहीं है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो गिद्धौर प्रखंड नहीं बनता, गिद्धौर प्रखंड देने का काम आते लालू जी। जम्मू जिला बन रहा था क्या? कोई भी सुनाई लेना चाहेगा, यहाँ 40 साल के राजनीति का व्यक्ति खड़ा है और मैं ईमानदारी से बातों को रखता हूं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री ना होते और जयप्रकाश यादव उस समय मिनिस्टर ने होते तो जम्मू जिला का दर्जा कभी नहीं था। एक से एक स्टेज जो आया तकलीफ कराया। जमुई ब्यूरो सदानंद कुमार की रिपोर्ट। समकालीन के तहत मझौलिया पुलिस की छापामारी, जिसमें पूर्व के 307 के आरोपी के साथ एक पॉक्सो एक्ट आरोपी अपहर्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। समकालीन अभियान के तहत गुरुवार को मझौलिया पुलिस ने एक महिला को जलाने के आरोप में महीनों से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है तथा एक पॉक्सो एक्ट आरोपी को गिरफ्तार कर हरसिद्धि थाना को सौंप दिया है। इसकी जानकारी इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि बलरामपुर वार्ड नंबर 1 निवासी रामजीत पासवान, जिनके विरुद्ध एक महिला को जलाने का आरोप है, इसी महिला का शरीर 30% जल गया था जो कई महीनों से फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही पन्नापुर मलाही टोला थाना हरसिद्धि पूर्वी चंपारण निवासी पॉक्सो एक्ट के आरोपी शोभा कुमार उर्फ रंजीत कुमार, इनके विरुद्ध हरसिद्धि थाना में पॉक्सो एक्ट कांड दर्ज है, जिसे अपहर्ता के साथ माधोपुर चौक से गिरफ्तार कर हरसिद्धि थाना को सौंप दिया गया है। यह थाना कांड संख्या 363-20 दिनांक 31/5/2020 धारा 341, 326, 307, 506, 120 भी 34 बादवी के प्राथमिकी अभियुक्त रामजीत पासवान, पिता स्वर्गीय बहादुर पासवान, साकिन बलरामपुर वार्ड नंबर 6 थाना मझौलिया जिला पश्चिम चंपारण को गिरफ्तार किया, कब जेल भेजा जा रहा है। इन पर आरोप है कि इनके द्वारा एक महिला का शरीर में आग लगा दिया गया था जिससे 30% के आसपास वो जल गई थी। इन्हें जांच उपरांत जेल भेजा जा रहा था,
भेजा जा रहा है। साथ ही हरसिद्धि थाना कांड संख्या 29/22 दिनांक 19/1/22 धारा 363 366 34 भादवी एवं 8/12 पास्को एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त शोभा कुमार उर्फ रंजीत कुमार पिता रामाशीष साहनी साकिम पन्नापुर मोहाली टोला वार्ड नंबर 3 थाना हरसिद्धि जिला पूर्वी चंपारण को कल माधोपुर से गिरफ्तार किया गया था। इनके साथ अफ्रीका को भी बरामद किया गया है तथा हरसिद्धि थाना को सौंपा गया है। माझौलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट।